नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लखनऊ जिले के टॉप 5 माफिया के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, अजीत सिंह। अजीत सिंह उन्नाव जिले के मुलाहिमपुर गांव के मूल निवासी थे। उनके पिता रंजीत सिंह उत्तर रेलवे में कर्मचारी थे और चार बाग में आरक्षण केंद्र के पीछे बने रेलवे क्वार्टर में रहते थे। रंजीत सिंह उत्तर रेलवे की मजदूर यूनियन में सक्रिय थे, जिसके चलते रेलवे के अफसरों में अच्छी पकड़ थी। उन्हीं का लड़का था अजीत सिंह। दबंग अजीत सिंह ने शुरुआती पढ़ाई केकेवी में की और फिर केकेसी में दाखिला लिया। इसी दौरान पिता ने बुलेट दिलवा दी। बात वर्ष 1980 के दशक की आसपास की है, तब कम लोगों के पास बुलेट होती थी। रंजीत ने अपनी पहुँच के बल पर बेटे को रेलवे में खलासी के पद पर भर्ती करवा दिया। अजीत भी रेलवे मजदूर यूनियन में शामिल हो गया और अफसरों तक पहुंच बनाकर मन माफिक काम करवाने शुरू कर दिया। केकेसी छात्र संघ चुनाव में भी दखल शुरू कर दी। चुनाव में मदद से छात्र नेता उसके पक्ष में रहते थे। देखते ही देखते हुसैनगंज से लेकर चारबाग तक उसकी तूती बोलने लगी। रेलवे के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक अजीत सिंह के आशीर्वाद को ललायित रहते थे। अजीत सिंह वर्ष 1990 के दशक के आखिर में तब चर्चा में आए जब उत्तर प्रदेश राज्य आपराधिक जांच विभाग ने उत्तर लखनऊ में एक प्रमुख रियल एस्टेट व्यवसायी राजेश अग्रवाल की हत्या के संलिप्तता का आरोप लगाया। इस मामले में कुछ भी साबित नहीं हुआ। लखनऊ के बाहुबली के रूप में जाना जाता है। नवंबर 2004 को विधायक अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 लोगों ने उन्नाव के एक होटल में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जहां वह अपना जन्मदिन मना रहे थे। अखिलेश सिंह, जो उस समय समाजवादी पार्टी के करीबी थे, भाजपा नेता रमेश कालिया और 3 अन्य लोग के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। अखिलेश हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध लग रहे थे, लेकिन उनकी भूमिका सत्य साबित नहीं हुई थी। यह बहुत संभव है कि उनकी मृत्यु आकस्मिक थी, उनके अपने ही एक गार्ड ने उन्हें मार दिया। सरकार या पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई भी विवरण साबित या सत्यापित नहीं किया गया था। उन्नाव में उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग साल में एक बार एकत्र होकर उनके पुण्यतिथि पर उनके जीवन को याद करते हैं। अजीत की लोकप्रियता की पता इस बात से लगती है कि उनकी पत्नी उनके ना रहने पर भी चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर सुशोभित कर रही हैं। उनके बेटे वर्तमान में भाजपा के नेता हैं। अजीत 2 बार MLC बनने में कामयाब रहे। अजीत सिंह के हत्याकांड में रमेश कालिया का एनकाउंटर हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2, अरुण शंकर शुक्ल उर्फ अन्ना। अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना महाराज का अपराध में बोलबाला था। अन्ना उन्नाव से MLC बनने में कामयाब रहे और उन्नाव से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साक्षी महाराज ने उन्हें हराया था। फिर दोबारा उनका मुकाबला BJP के साक्षी महाराज और कांग्रेस की अन्नू टंडन से था। दोनों बार चुनाव हार गए। आपको बता दें कि सपा ने इलाहाबाद पश्चिम की पूर्व विधायक पूजा पाल को यहां से मैदान में उतारा था, लेकिन पार्टी में विरोध के बाद उनका टिकट कट गया था। बात साल 1995 की आसपास की है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सनसनीखेज गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसे कौन भूल सकता है। मायावती पर जानलेवा हमला हुआ और आरोप लगा कि हमलावर समाजवादी पार्टी के थे। उन्हीं आरोपियों में एक नाम आया, अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना शुक्ला का। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज वही अन्ना महाराज शुक्ला मायावती के हाथी पर बैठकर संसद में जाने की तैयारी में था। अन्ना जो कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम खासा पुराना है। अन्ना की हिस्ट्री शीट लखनऊ के हुसैनगंज थाने में वर्ष 1982 में खुली। उस वक्त अन्ना के खिलाफ 50 मामले थे। अन्ना के खिलाफ मामले में हत्या, जान से मारने की कोशिश, अपहरण, फिरौती जैसे संगीन मामले शामिल थे। अन्ना गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रपा में जेल की हवा खा चुका है। नंबर 3, रामगोपाल मिश्रा। रामगोपाल मिश्रा का लखनऊ और सीतापुर में काफी दबदबा रहा है। कुछ सीतापुर के ही एक बड़े कांग्रेसी नेता के साथ लखनऊ के एक ट्रांसपोर्टर और पूर्वांचल के बाहुबली हरशंकर तिवारी का संरक्षण मिला हुआ था। इन्हीं की बदौलत रामगोपाल पहले कसमंडा ब्लॉक का प्रमुख बना,
फिर सीतापुर का जिला पंचायत अध्यक्ष और बाद में कांग्रेस से विधान परिषद का सदस्य बना। राम गोपाल पर पुलिस रिकॉर्ड में एक समय 5 दर्जन से अधिक संगीन मामला दर्ज थे। अन्ना की मां के पहल पर हुई सुलह के बाद राम गोपाल ने डालीगंज छोड़ दिया और अपना दायरा चारबाग और सीतापुर तक सीमित कर लिया था। राम गोपाल और अन्ना के गंगवार से लखनऊ वासी घबराते थे। समय के साथ दोनों की सुलह होने के बाद राजनीति में सक्रिय हो गए। नंबर 4, अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह का जन्म 15 सितंबर 1959 को हुआ। अखिलेश सिंह पहली बार वर्ष 1993 में रायबरेली सदर सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। अखिलेश सिंह ने कांग्रेस के साथ अपनी संबद्धता बनाए रखते हुए वर्ष 1996 और 2002 में दोबारा चुनाव जीता। 2007 के चुनाव से पहले कांग्रेस से निष्कासित अखिलेश सिंह एक राजनीतिक स्वतंत्र के रूप में दौड़े और चौथी बार विधायक बने। अखिलेश सिंह ने पीस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने के बाद वर्ष 2012 का चुनाव लड़ा और जीतने में कामयाब रहे। वर्ष 2017 के चुनाव में उनकी बेटी अदिति सिंह चुनाव लड़ी और उनके जगह पर चुनाव जीतने में कामयाब रही। आज के जीवन में अखिलेश सिंह को पता चला कि इनको कैंसर है और 20 अगस्त 2019 को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अजीत सिंह और अखिलेश सिंह की दुश्मनी जगजाहिर थी। केडी सिंह स्टेडियम के बाहर बैडमिंटन खिलाड़ी रहे सैयद मोदी की हत्या में अखिलेश सिंह का नाम सामने आया था। वह बाद में इस मामले में बरी हो गए थे। नंबर 5, लल्लू यादव। लल्लू यादव लखनऊ के राजाजयपुरम के एक किसान परिवार में जन्मे। लल्लू यादव किशोरावस्था में ही अपराध की दुनिया में आ गए थे। साल 1983 में जब वह 16 साल का था तो पुलिस ने पहली बार चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह भू माफिया की संगत में आया और जबरन कब्जे दिलवाने लगा। इसके बाद वह दुर्दांत अपराधियों में शुमार सूरतपाल यादव का शूटर बन गया। साल भर के अंदर ही इसका नाम सूरतपाल के विरोधी गुट के अर्जुन की हत्या में लल्लू का नाम सामने आया। फिर धीरे धीरे वह खौफ का दूसरा नाम बन गया। इसी दौरान लल्लू ने सरकारी ठेकों पर भी हाथ डालने की जुगत में लग गया, जिसके चलते साल 1989 में उसकी भिड़ंत माफिया और राजनेता अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना से हुई। जल संसाधन के एक ठेके को लेकर दोनों गुटों में बाजार खाला के बिल्लौजपुरा में भीषण गोलीबारी हुई थी। जुर्म की दुनिया में नाम कमाने के साथ साथ लल्लू यादव को पैसा भी चाहिए था। ऐसे में उसने माफिया रमेश कालिया की सरपरस्ती में जमीन की खरीद फरोख्त और रेलवे ठेकों में हाथ डाला। लेकिन इस भीड़ में कई और पुराने खिलाड़ी थे। इनमें से एक नाम स्वर्गीय एमएलसी अजीत सिंह का भी था। अजीत सिंह के साथ भी लल्लू यादव की कई बार ठनी, लेकिन पुलिस एनकाउंटर में रमेश कालिया के ढेर होने के बाद वह शांत पड़ गया। लल्लू यादव उर्फ पहलवान ने बॉलीवुड की अलावा राजनीति में किस्मत अजमाई। इस दौरान वह वर्ष 2010 में जिला पंचायत सदस्य चुना गया, तो वही लल्लू की पत्नी नीतू काकोरी ब्लॉक से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुनी गई। खुद लल्लू भी काकोरी से ब्लॉक प्रमुख रहा और बाद में पत्नी भी साल 2021 के पंचायत चुनाव में बीडीसी का चुनाव जीती थी। और इसी दौरान लल्लू यादव को इसके 17 साथियों के साथ काकोरी से गिरफ्तार कर लिया गया था। आपराधिक इतिहास में 50 से ज्यादा केस वाले लल्लू यादव ने अपना नाम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में दर्ज कराया। लल्लू ने साल 2015 में बिहार व झारखंड में रिलीज हुई फिल्म छबीली से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उसने लखनऊ का बिट्टू फिल्म में काम किया था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।